सो हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि वुडन पैलेट कैट लिटर को कैसे क्लीन करना है। सबसे पहले आपके पास ये डबल लेयर कैट लिटर ट्रे होनी चाहिए, ऊपर वाली जाली वाली होती है, नीचे टब होता है, ठीक है। फिर दूसरी चीज़, आपके पास ये स्कूप होना चाहिए, किसी भी पेट शॉप पे आपको ये मिल जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि देखिए, जैसे ये कैट लिटर है तो इसको हम हल्का सा हिलाएंगे ना तो हमें कैट की पॉटी पता लग जाएगी कहाँ पर है। जैसे ये कैट की पॉटी है, इसे स्कूप से ऐसे निकाला और एक पिन्नी या फिर कोई सी भी चीज़ आप ले सकते हैं इसे डस्टबिन में डालने के लिए। इसे पहले हम क्लीन कर लेते हैं। पॉटी हमने एकदम क्लीन कर ली, अब हमें क्या करना है, जो यूरिनेशन है उसको क्लीन करने के लिए पहले हल्का सा इसे चलाएंगे, ऐसे हिलाएंगे, जिससे कि सॉ डस्ट जो है वो नीचे वाली ट्रे में चला जाए। इसे ऐसे चलाने के बाद आपको क्या करना है, हल्का सा ऊपर वाला ट्रे उठाना है और इसे पकड़ के ऐसे उठाना है। ऐसे हिलाने के बाद आप जब इसे उठाएंगे तो जितना भी यूरिन होगा वो सारा इस नीचे वाले टब में आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, यूरिन को आप ऐसे टब में से हटा लेंगे। हटाने के बाद आपको पॉलिथिन लेनी है, इसे ऐसे पकड़ेंगे पॉलिथिन में और ये देखिए बस हो गया काम। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको लग रहा है अब भी कम नहीं हुआ तो आप ये प्रोसीजर दूसरी बार भी कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर गर्मियों में स्मेल की इश्यू आती है तो आप क्या कर सकते हैं, बेकिंग सोडा जो रहता है घर में, सबके घर में रहता है, आप अपनी मम्मी से पूछ सकते हैं, बेकिंग सोडा आप थोड़ा सा इसमें डाल सकते हैं, उससे स्मेल की प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी इसमें भी, और आप सैंड वाले लीटर में भी उसे डाल सकते हैं। तो गाइस, हम दूसरी बार इसे क्लीन करेंगे। के बाद ये बिल्कुल क्लीन हो चुका है, थोड़ा सा ही आया है। और ऐसे ही आपको करना है, बहुत इजी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बस आपको ये ख्याल रखना है कि जो लिटर ट्रे है ये कम से कम यहाँ तक फिल होनी चाहिए, कम से कम 2 इंचेस तक ये फिल रहनी चाहिए, जिससे कि अच्छा वर्क करे और इफेक्टिव रहे। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।